नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2019 का महीना किस तरह का रहने वाला है, कैसी उनकी मनोस्थिति रहने वाली है, कौन से विशेष ग्रह उनके लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनका प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला है, इन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जुलाई को वे आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही सूर्य देव आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे, अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं, वैचारिक तौर पर ये बातें रह सकती है और ये जो मनमुटाव है वो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। और साथ ही अगर आपके वैवाहिक जोड़ीदार को स्वास्थ्य के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इस दौरान सूर्य देव के षष्ठ भाव में आने से वो प्रॉब्लम्स और ज्यादा सामने उभर कर आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हो तो वहाँ पर भी आपके जोड़ीदार के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इन बातों में ध्यान अवश्य दें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके मंगल ग्रह के बारे में। मंगल देव आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे संपूर्ण जुलाई के महीने में। मंगल देव के प्रभाव के कारण आप जहाँ पर काम करते हो, खास करके जो लोग जॉब में हैं, उनके कार्यस्थल पर उनके सहकर्मियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और साथ ही अगर आपके भाई बहन है तो उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी इस दौरान ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों बुध देव भी आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस पूरे जुलाई के महीने में बुध देव वक्री अवस्था में रहेंगे। बुध देव आपके राशि के लिए पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। बुध देव के वक्री अवस्था के कारण आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपकी जो रेस्पेक्ट है वो खराब होने के चांसेस बन रहे हैं। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी शेयर मार्केट से डील करते हो और ऐसे कार्य जहाँ पर लक फैक्टर ज्यादा डील करता है, ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी ना पड़े। ऐसे कार्यों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन ना ले, बड़े रिस्क ना ले, क्योंकि वो चूकने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बृहस्पति देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। वे भी आपके लिए वक्री अवस्था में है। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से वे आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से वे आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और साथ ही दोस्तों नवम दृष्टि से वे आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा दोस्तों कि रवि, मंगल और बुध के जो स्थिति है वे आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, जैसे कि आपके कार्यस्थल पर आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बुध देव की दृष्टि आपके षष्ठ भाव में होने से ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले हैं उनमें ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा। दोस्तों बृहस्पति देव आपके दशम भाव में है, जिसके कारण वे आपको पूर्ण तरीके से फल नहीं प्रदान करेंगे, लेकिन वे आपको शुभ फल अवश्य देंगे। बुध देव के स्थिति के कारण आपके जीवन के किसी भी मामलों में कोई एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके राशि के लिए। अगर कोई ऐसी टेंशन आ भी जाए आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड, आपके कैरियर के रिलेटेड, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपना धैर्य और संयम बनाकर रखें। आइए दोस्तों इसके बाद चर्चा करते हैं आपके शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र देव 23 जुलाई तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और 24 जुलाई के बाद आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। शुक्र देव जुलाई के महीने में एक बड़ी कालावधि में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बना रहे हैं। मतलब आपको पैसों के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामलों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दौरान दोस्तों आपके घर परिवार में अगर आप वैवाहिक हैं या फिर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो इन सभी लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और हार्मनी में रहेंगे। तो दोस्तों ये जो संपूर्ण जुलाई का महीना है, शुक्र देव के प्रभाव के कारण आपके आर्थिक स्थिति में साथ ही आपके रिलेशनशिप के मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों शनि देव जो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव से वे आप ही की राशि को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से वे आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और साथ ही दोस्तों दशम दृष्टि से वे आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि देव जुलाई के महीने में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि देव की ये स्थिति के कारण आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। जुलाई के महीने में शनि देव के प्रभाव के कारण आप अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद में पड़ सकते हैं, तो ऐसे मामलों से जहां पर आप फंस सकते हैं वहां से दूर रहे। इस दौरान किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या बड़े डिसीजन ना ले। दोस्तों जुलाई के महीने में आपके राशि के लिए शुभ ग्रह योग भी बन रहे हैं। गुरु परशुराम अमृत योग 4 जुलाई को बन रहा है, तो इस दौरान आप कोई भी नए वस्त्र, सोना चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। ये जो गुरु परशुराम अमृत
अमृत योग है, ये आपके राशि के लिए बहुत ही अच्छा देखा जाता है, तो इस दौरान आप इस योग का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, मोटे तौर पर देखा जाए जुलाई 2019 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। बस जो भी बातें मैंने गिनवाई जिनमें आपको सावधानी बरतनी है उनमें ध्यान अवश्य दें। तो दोस्तों, ये था जुलाई 2019 का राशिफल कुंभ राशि के लिए। अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।